शिकल जी सारे वेलकम बैक टू सुखी जोबन ब्लॉग्स। सबसे पहली बात, आज हम बात करेंगे हिंदी में, बिकॉज जो टॉपिक है हमारा वो इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सर्च मारते हैं इस टॉपिक को कि ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स कब खुलेंगे, और बड़ी मतलब क्लैरिटी नहीं है चीज़ की, इसलिए मैं उन्हें थोड़ी सी बेसिक क्लैरिटी देना चाहता हूँ चीज़ों की। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये ब्लॉग, उसके लिए दो चीज़ें थोड़ी सी जाननी पड़ेंगी, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स। अगर आपको ज्योग्राफी पता है कि कहाँ कौन सी स्टेट है, तो आप स्किप कर दें इसे, थोड़ा आगे जाके देख लें। अगर नहीं पता तो यहाँ से मेरे साथ बने रहें, ठीक है जी। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया है एक ऐसी कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे 6 स्टेट्स हैं, ठीक है जी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वेस्ट में पड़ता है, जो इंडियन ओशन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, आपको मैप में दिख जाएगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जब इंडियन ओशन से, यानी कि इंडिया के जो सदर्न पार्ट है, यानी केरला कर्नाटका तमिलनाडु, वहाँ पे जो ओशन है, सी है, वो अगर हम सीधा सीधा वहाँ से आना शुरू कर दें ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाएंगे। कहाँ पे पहुँचेंगे? लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पहली स्टेट होगी, ठीक है। हम सेकेंड उसके साथ, यानी कि एक बड़ी स्टेट आपको दिख रही है जो, वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आपके लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद 2 स्टेट्स आ जाती हैं मिडल में, ऊपर और नीचे, ऊपर वाली को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाली को साउथ बोलते हैं। फिर आगे चला जाइए, राइट हैंड कॉर्नर में आप देखिए क्वींसलैंड सबसे ऊपर चला जाएगा, फिर जाएगा न्यू साउथ वेल्स, जैसे जैसे नीचे आते रहेंगे विक्टोरिया, और उससे नीचे और आ जाएगा टैस्मेनिया या फिर तस्मानिया। अब हमें पता है वहाँ की सिटीज़ के नाम, हमें नहीं पता, मेरे को नहीं पता था एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आया कि ये स्टेट्स भी होती हैं यहाँ पे। हमें वहाँ पे पता था पर्थ, डार्विन का भी नहीं पता था, एडिलेड, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, सिडनी, ठीक है। अब ये जो सिटीज़ हैं क्या, यह है कैपिटल सिटीज़ यहाँ की, जो मैंने आपको स्टेट्स बताई, जैसे पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, ऐसे ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है, नॉर्दर्न टेरिटरी की डार्विन है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड है, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन है, न्यू साउथ वेल की सिडनी, कैनबरा है, विक्टोरिया, मेलबर्न, तस्मानिया, होबार्ट। ये जो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपकी स्क्रीन पे दे दी, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और मैं समझा रहा हूँ मैंने क्या क्या लिखा है। उसके बाद ये है ज्योग्राफी की बात, ये पता होना चाहिए आपने किस जगह पे जाना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे फ्लाइट के साथ भी 3-3 घंटे लग जाते हैं, 2-3 हज़ार किलोमीटर एक दूसरे से। और बात करते हैं अब पॉलिटिक्स की, थोड़ी सी पॉलिटिक्स की आपको पता होना चाहिए अगर आपने बॉर्डर ओपनिंग का स्टेटस पता करना है तो। स्कॉट मॉरिसन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें अगर आप यहाँ पे प्लान कर रहे हो आने की। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हो वहाँ पे बैठे और आपने 100% यहीं पे आना है, ठीक है जी। उसके बाद है लिबरल पार्टी से हूँ स्कॉट मॉरिसन, और लिबरल पार्टी ऑस्ट्रेलिया में कितने स्टेट्स में हमें देखना पड़ेगा, वो है साउथ ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा है न्यू साउथ वेल्स में, आप देख सकते हैं जो मैंने आपको शीट बना के दी है, तीसरा है टैस्मेनिया में, ठीक है। 52% से ये मार्जिन से जीती थी, 52% वोट से एज़ कम्पेयर टू लेबर को मिली थी 48.5%, ठीक है जी। अब यहाँ के हमें सीएम का पता होना चाहिए, जैसे हमारे पंजाब के सीएम अभी बदल रहे हैं आपको बताइए, लेकिन यहाँ पे सीएम की जगह होते हैं प्रेमियर, ठीक है जी। जैसे कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रेमियर हैं मार्क कोवेन, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान अपने स्क्रीनशॉट में देख लेना आप। नॉर्दर्न टेरिटरी के हैं माइकल गनर, साउथ ऑस्ट्रेलिया के हैं स्टीव मार्शल, क्वींसलैंड के हैं एनास्टेशिया पेलाजेस्की, ये थोड़ा मुश्किल नाम है, न्यू साउथ वेल्स से हैं ग्लैडिस बर्जिग्लियन क्लेन, ये नाम चलो थोड़े मुश्किल है लेकिन आप अपने प्रोनाउंस कर रहे हैं जैसे करना है ना। विक्टोरिया के हैं डैनियल एंड्रयू, एंड टैस्मेनिया के हैं पीटर गटमैन। अब ज़्यादातर बच्चे कहाँ आते हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने, वो आते हैं, मेरे पास रखी हुई है सामने, कहाँ देख रहा है, डायरी में देख रहा हूँ, ठीक है। अभी बच्चे जो पढ़ने आते हैं ज़्यादातर मेलबर्न, सिडनी, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, और वहाँ पे स्टूडेंट्स इसलिए ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे उनका कोटा भी ज़्यादा होता है पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। और पर्थ में भी अब तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बिकॉज ये रीजनल हो गया है, वो रीजनल की बाद में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको प्रीमियर का पता लग गया, ठीक है,
दो चीज़ें होंगी, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स। अब आ जाते हैं हम थोड़ी सी साइंस पढ़ लेते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। कोरोना वायरस के जो केसेस आए थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लिखा हुआ है मैंने 1092, आज तक इतने ही आए हैं, ठीक है जी। साउथ ऑस्ट्रेलिया में 898 इतने आए थे, 98। क्वींसलैंड में 2015, उसके बाद कोई केसेस यहाँ पे आजकल नहीं आ रहा, बिल्कुल केसेस नहीं आ रहे। लेकिन बात करें हम न्यू साउथ वेल्स की, विक्टोरिया की, तो इनमें केसेस 28,000, 51,000 ऐसे केसेस हैं यहाँ, और इनके केसेस रोज़ आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ केसेस इनमें बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है यहाँ पे, लेकिन और इन्होंने अपने आपस में भी जो है अपना जो बॉर्डर्स हैं वो शट कर रखे हैं, कोई भी दूसरे स्टेट से जाता है उसे क्वारंटीन होना पड़ता है इस टाइम, ठीक है। अगर मैं WA की बात करूं, WA में अगर कोई विक्टोरिया से आ रहा है, अगर वो 12 घंटे अगर वहां पे क्वारंटीन हो रहा है, 12 घंटे के अंदर अंदर यहां पे पहुंच जा रहा है, तो उसे क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर वो न्यू साउथ वेल से आ रहा है वहां, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा हैं इस टाइम, अगर उसे यहां पे आना है तो उसे दोबारा क्वारंटीन होना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द 12-आवर पीरियड, जो कि सिर्फ विक्टोरिया के लिए है। और विक्टोरिया में लेबर है, WA में लेबर है, तो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट थिंग्स, आपको ये अंदाजे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात है, ज़्यादातर मैं देखता हूँ स्कॉट मॉरिसन ने ये कहा, उसने ये कहा, लेकिन वहाँ के प्रेमियर्स क्या कहते हैं वो ज़्यादा पसंद वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि अगर आप आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो बोल दिया वही सारे स्टेट के प्रेमियर मानेंगे, नहीं। यहाँ पे जो स्टेट है उसकी एक फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरेटेड स्टेट्स हैं, अगर उनकी मर्जी है खोले ना खोले, यहाँ पे स्टेट्स अपने वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल अलग है, स्टेट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। तीसरी बात वैक्सीनेशन की करेंगे, वैक्सीनेशन जो है V1 V2 लिख रखा है मैंने, V2 की बात कर रहे हैं हम, यानी कि वैक्सीनेशन जो हमने जिन्होंने दोनों वैक्सीनेशन लगा ली हैं, V2 NT में रखा है 48, साउथ ऑस्ट्रेलिया में 44, क्वींसलैंड में 42, न्यू साउथ वेल्स में, ये सारे नंबर मैंने दे रखे हैं। अब न्यू साउथ वेल का यहाँ पे स्टेटस V1 का है, 80% हो चुका है, इसलिए कह रहे हैं कि वो 3.5 महीने तक खोल देगा बॉर्डर, अब ये न्यूज़ आ रही है। अब वहाँ के प्रेमियर देखिए क्या कहते हैं 3 महीने बाद, वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। वो कह रहे हैं ना कि हम ऐसे खोल देंगे, और क्या खोलेंगे एक्चुअली, क्या स्टूडेंट को डायरेक्टली खोल देंगे, वो प्रायोरिटाइज़ करेंगे। यहाँ पे आ जाती है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हाउ दे प्रायोरिटाइज़ करेंगे अपने सिटीजन्स को या PR को। इस टाइम तकरीबन वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट 25,000 से 30,000 लोग जो हैं आउटसाइड कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं, वो अभी वापस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि फ्लाइट्स नहीं हैं। जून में ये नंबर 38,000 था, 38,000 था। और दूसरी बात करते हैं कि अगर PR सिटीजन को प्रायोरिटी देंगे, फिर देंगे वो स्किल्ड माइग्रेंट्स को, जो बंदे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए जिन्होंने 190489 या फिर है ना, और जो PR वीज़ाज हैं या फिर पाथवे टू PR है वो लगा रखे हैं, और वो अपनी कंट्रीज़ में हैं, वो नहीं आ पाए यहाँ पे, उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। फिर थर्ड स्टूडेंट को प्रायोरिटाइज करेंगे, मे बी टूरिस्ट को प्रायोरिटाइज करेंगे, ये उनकी मर्जी, ये भी देखने वाली बात होगी किसे प्रायोरिटाइज करेंगे यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। अगर खोल भी देते हैं तो स्टूडेंट की बात कब करेंगे, मतलब कहने की बात है। फिर आ जाती है बात क्वारंटीन की, किस कंट्री से बुलाएंगे, सिंगापुर से बुलाएंगे, कैसे मलेशिया से बुलाएंगे, किस कंट्री से बुलाएंगे, और कितनी देर क्वारंटीन करना पड़ेगा हमें, वहाँ पे भी करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस अगर न्यू साउथ वेल्स बोल रहा है कि मैंने खोल देना है नवंबर में, तो स्टूडेंट का मुझे नहीं लगता कि नवंबर में खुलेगा, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। और 2022 के स्टार्टिंग में हाँ मुझे लग रहा है कि हाँ खुल सकता है स्टूडेंट के लिए न्यू साउथ वेल्स, अगर वो खुल जाता है, ठीक है, तो दूसरे जो स्टेट्स के हैं जो प्रीमियर, वो देखेंगे कि न्यू साउथ वेल कैसे जा रहा है, क्या वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस फिर बढ़ रहे हैं, कि वो डिक्लाइन आया है, उसमें कोई नया स्टेन तो नहीं आया है ना, कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे जो 3-3 दिन के बाद स्टेटस चेंज हो जाता है,
आपको भी पता है कोरोना वायरस कैसे एक तरह से करवट बदलता है हर टाइम पे, ऐसे ही यहाँ पे अगर कोई 19-20 हो जाती है तो इसके बाद हमें नहीं पता कि ये स्टेट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। इसलिए अगर आपने 100% आना है यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो अपनी पूरी तैयारी करके रखो इसी टाइम, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने अभी अप्लाई करना है, स्टार्टिंग ही करनी है, तो वेट कर लो जब तक एक्चुअली में हो क्या रहा है, उस टाइम आपको पता लग जाएगा ना। तो ये दो चीज़ें मैं बताना चाहता था क्योंकि यहाँ के, और नेक्स्ट टाइम आप स्कॉट मॉरिसन को बयानों को फॉलो करो, वहाँ के जहाँ पे आपने आना है यानी कि डब्ल्यू में आना है, यानी कि कैनबरा में आना है, सिडनी में आना है, तो वहाँ के जो प्रीमियर हैं अगर वो लेबर से हैं तो खासकर उनके बयानों को ज़्यादा देखें वो क्या कह रहे हैं। लिबरल के तो ऑलमोस्ट सेम ही हो गए जो स्कॉट मॉरिसन का कहना है ना। तो ये मुझे थोड़ी डीप बातें लगी जो मैंने सोची और मैंने आपके लिए निकाली और कोशिश की कि आपको कुछ अलग से समझा सकूं कोई चीज़ें। हालांकि ऑस्ट्रेलिया रैंक्ड 3rd इन टॉप स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन, यानी कि तीसरे नंबर पे आता है दुनिया में। 37 बिलियन का इन्होंने जो स्टडी से आउटसोर्स किया था, यानी क्या था 2018 में, तो यही 35 बिलियन का मुनाफा इन्हें हुआ था 2019 में। 2020 में भी इनके पास स्टूडेंट काफ़ी आए, सिडनी कैनबरा में आए 1.5 लाख, मेलबर्न में 1.4 लाख, ब्रिस्बेन में 53,000, एडिलेड में 25,000, डब्ल्यू ए में 23,000। बट इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट स्टक हैं अपनी कंट्रीज में, वो नहीं आ पाए हैं अभी तक यहाँ पे, तो उनको बुलाने का जो है प्रोसेस चलेगा, नए स्टूडेंट को बुलाने का प्रोसेस चलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी, है ना। जिन्होंने नया अप्लाई करना है वो उन्हें पहले बुलाएंगे कि इन्हें बुलाएं, ऑफ कोर्स इन्हें बुलाएंगे पहले, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी थी, बट ये एक अजम्पशन है, यही है बस, ठीक है जी। इंडिया जो है सबसे दूसरे नंबर पे कंट्रीब्यूट करता है जो स्टूडेंट को, ऑस्ट्रेलिया को, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है चाइना। तो ये भी देखने वाली बात है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है किसके लिए खोलेगा पहले, चाइना के लिए खोलता है, इंडिया के लिए भी साथ ही में खोल देता है कि अकेला चाइना के लिए खोलेगा, ये भी देखने वाली बातें हैं ना। जाना है डब्ल्यू ए में, आप देख रहे हो सिडनी का बयान या फिर किसी और स्टेट का, ना तो वो सेंस नहीं बनती। ये नहीं मैं कह रहा कि अगर आपने डब्ल्यू ए में आना है तो आप आ नहीं सकते, अगर सिडनी ने खोला तो वाया आ सकते हो सिडनी, बाद में डब्ल्यू ए में भी आ सकते हो, लेकिन जब भी ऐसा सिनेरियो बने वहाँ पे आपके चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से स्टूडेंट्स ने वहाँ पे अप्लाई करना है, फिर एक जगह पे आना है, वहाँ पे क्वारंटीन होना है, फिर अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे आना है, वहाँ पे भी क्वारंटीन होना है, तो प्रोसेस बढ़ जाता है और आप जल्दी से अप्लाई करोगे तभी आप लिस्ट में आ पाओगे, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उससे उस टाइम रिएक्ट करते हो। बाकी अगर कोई भी अपडेट मुझे इस पर मिली तो मैं नेक्स्ट टाइम, मैं इतनी जल्दी अपडेट नहीं डालता, लेकिन ये मेरा पहला ब्लॉग है इस पे, इस टॉपिक पे, इसलिए मैंने डिटेल्ड किया और ये आप देख लेना सारी चीज़ें। होपफुली ऑस्ट्रेलिया खुल जाए जल्दी, मैं तो कहता हूँ कि मेरी बातें झूठ हो जाएंगी, 6 महीने नहीं 3 महीने से पहले ही खुल जाए, बट एटलीस्ट इतना टाइम लगेगा जो कि सैड है। ये सारी चीज़ें कंसिडर करेंगे ही करेंगे, ये ठीक है। अभी कोविड पासपोर्ट भी बनने हैं, उसमें भी टाइम लगेगा, वो अलग से एक फॉर्मेलिटी कर रखी है उन्होंने। लेट्स सी हाउ थिंग्स विल गो, एंड बस यही था आज के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।